इंटरस्टेट रूट 495 नॉर्थ, अंतर्राज्यीय मार्ग संख्या 495, उत्तर दिशा की तरफ अलग अलग मंजिलों तक पहुंचने के लिए न जाने मैंने कितनी बार इस रास्ते से दूरी तय की है। जब इस रास्ते से निकलते थे तो एक बड़ा सुंदर भवन दिखाई देता था, और ये भवन इसकी खूबसूरती जो दूर से न जाने क्यों बार बार कहती थी कि एक बार मेरे करीब अपने कदम तो बढ़ाओ। बहुत आकर्षक ये भवन, इसकी खूबसूरती, हमेशा मन किया कि क्यों ना इस भवन को ज़रा करीब से देखा जाए। इसकी खूबसूरती जब दूर से इतनी मोहक लगती है, इतना वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो मन तो चंचल है और चंचल मन अपना रंग दिखाता है, और वो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, मोहक लगती है, मन अवश्य करता कि आप ज़रूर उस स्थान विशेष पर जाएं और उसकी खूबसूरती को उसके साथ प्रत्यक्ष आपका साक्षात्कार हो और जीवन में खुशी के कुछ लम्हों को और जोड़ा जाए। आज ईश्वर ने यह सौभाग्य हमें दिया। तारीख 3 मई 2022, दिन मंगलवार, और आज ईद का दिन भी है। खुशी का माहौल तो है इसे ही, परंतु मैं यदि इस भवन विशेष की बात करूं तो इसकी विशेषताओं के बारे में जो मैंने यहां आकर महसूस किया, सर्वप्रथम मैं रखूंगा शांति को। यह वॉशिंगटन DC टेम्पल, मालूम पड़ा कि यहां पे पिछले 4-5 वर्षों से नवीनीकरण का कार्य चल रहा था। इट वॉज अंडर रेनोवेशन बट ओनली फ्यू डेज बैक इट हैज़ बीन रीओपन फॉर द पब्लिक। पता लगा कि लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ की विशेषताओं को समझ सकते हैं, और जिस धार्मिक आस्था से यह स्थान विशेष जुड़ा हुआ है और लोग जिस धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, उनके मन में चंचल बच्चे अपनी चंचलता नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। मैं जब इस भवन विशेष की बात करूं, यह एक ऐसा स्थान, धार्मिक आस्था अपनी जगह, परंतु जब मैंने यहाँ अंदर की व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास किया, जब आप स्वागत कक्ष, अलग अलग मंजिल पर हमें 6 तलों तक जाने की अनुमति थी, ऊपर भी एक 7वीं मंजिल और है, वहाँ शायद बैठने की व्यवस्था है और एक अवसर विशेष पर ही शायद वहाँ जाने की अनुमति होती होगी। स्वागत कक्ष देखा, कैसे बैप्टिज्म होता है, वो दूसरे तल पर देखा, उसके बाद देखा कि कैसे एक वधु के लिए उसको तैयार होने का अलग से कक्ष बनाया हुआ है, और आप जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो यहाँ एक सीलिंग रूम, छठ जो 6th फ्लोर पर, छठे तल पर एक सीलिंग रूम, सीलिंग, देखो शब्द कैसा इन्होंने चयन किया है, सीलिंग रूम है तो वास्तव में वो विवाह कार्य को संपन्न करने का स्थान, परंतु उस सीलिंग रूम में इनकी एक ऐसी आस्था है, एक ऐसा विश्वास है कि जब एक युवक एक युवती जब शादी के बंधन में बंधते हैं, तो वो बंधन सिर्फ इसी जीवन काल के लिए नहीं, वो जन्मों जन्मों का बंधन है। ऐसी हमारी सनातन परंपरा में भी यही विश्वास है। तो मैं कुछ समानताओं को भी समझने का प्रयास कर रहा था। शांति का आभास हुआ। ये हर धर्म में अलग अलग विचार उत्पन्न होते रहते हैं समय अनुसार। ये 19वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क में एक मिस्टर स्मिथ, उन्होंने एक नई परंपरा का, जो आप कहेंगे कि उस समय एक जन्म हुआ, एक विश्वास है, विश्वास वही क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत में ही इनका विश्वास है, पर ये इनको मोरमोन टेम्पल कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ईसाइयत से अलग है, परंतु समय समय पर लोग जो धर्म का एक मूल रूप होता है उसमें विश्वास रखते हैं, और कुछ उस मूल रूप के साथ साथ जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो अपने अनुभव के आधार पर वो अपने विश्वास में शायद जीवन शैली के चलते किसी न किसी तरह का परिवर्तन आता रहता है, और उसी परिवर्तन के चलते शायद एक मॉर्मोनिज्म, ये इट्स ऑल्सो अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट अंडर क्रिश्चियनिटी। मदिरा पान का सेवन वर्जित, शायद चाय कॉफी का सेवन भी वर्जित, और ये शांति का प्रतीक मंदिर तकरीबन 5 वर्षों के बाद इसको खोला गया है दर्शन के लिए। स्थान की अपनी विशेषता, एक धर्म विशेष में एक अलग तरह का पंथ, परंतु सबके चेहरे पर खुशी का भाव, और जिस तरह से इस व्यवस्था को यहाँ बनाया गया है, जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको खुशी का आभास होना शुरू हो जाता है।
जब इस मंदिर के, इस वॉशिंगटन डीसी टेम्पल के परिसर में कदम रखा, तब से लेकर और अब तक तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है हम यहाँ पे समय बिताते हुए। शांति, पीस, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, बहुत 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 सुंदर दिन। 3 मई 2022 ईद का दिन और एक अच्छे स्थान पर आने का प्रकृति ने आज शुभ अवसर दिया। विश्व में शांति कायम हो, हर जगह लोगों को हर तरह की खुशी प्राप्त हो, इसी शुभेच्छा के साथ प्रकृति को, ईश्वर को एक बार फिर से शत शत नमन।